सोलन में संविधान दिवस पर युवाओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। उपस्थित युवाओं ने इस मौके पर अपने विचार साझा किए और अंबेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का निर्णय भी लिया। युवाओं ने संविधान निर्माता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। युवाओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने देश का संविधान लिखा और सभी देशवासियों को कानून के दायरे में लाए। यही वजह है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति बेहद सुरक्षित और स्वतंत्र है। ज्ञात रहे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। अधिक जानकारी देते हुए विद्यार्थी तिलक कुमार ने कहा कि आज सभी युवा संविधान दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में भारत की आत्मा बसती है, यही वह दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही सभी भारतवासी एक दूसरे से जुड़े हैं, यही कारण है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान बेहद सुंदर व्यवस्था है जिसके चलते आज भारत विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। वह इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। तिलक, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान निश्चित रूप से इसमें भारत की आत्मा बसती है और ये वो दस्तावेज के आधार पर हमारे देश का शासन चलता है और हम सब लोग इस संविधान के कारण जुड़े हैं, भिन्न जाति पंथों मतों के लोग। और ये संविधान शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान, हम बिल्कुल उसको दरकिनार नहीं कर सकते और इस संविधान के कारण जो है हम जुड़े हुए हैं और ये संविधान जो है हमें बिल्कुल आने वाले इसमें भी हम इसके अनुसार ही इस देश का शासन चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और संविधान दिवस की मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भारत का लोकतंत्र अपने आप में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम देखेंगे कि भारत में लोग इतनी विविधताओं के बावजूद भी हम जो है बिल्कुल जब लोकतंत्र के पर्व के रूप में हम कोई देखते हैं, वोटिंग चल रही है और चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं लोकतंत्र एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और जहां लोग हमारा देश जो है निरंतर तरक्की के पथ पर अग्रसर है और इसमें डेफिनेटली डेमोक्रेसी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कारगर वो है जिसके कारण जो हम जुड़े हुए हैं।